लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया। सपा के सुधाकर सिंह ने सपा से बीजेपी में गए दारा सिंह चौहान को 42,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी में जश्न मनाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर खूब डांस किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। साथ ही बीजेपी और सुभाषपा पर निशाना भी साधा। इस पूरे चुनाव में एनडीए का दामन थामने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की इज्जत दांव पर लगी थी, क्योंकि घोसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई थी। यही नहीं, इस दौरान वो लगातार सपा पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और उन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव को सूद समेत लौटाकर सैफई वापस भेज देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि घोसी में दारा सिंह चौहान की जीत 100% निश्चित है और सपा कहीं भी नजर नहीं आने वाली है। उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, लेकिन ये ना जाने तुम कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम अकेले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुह लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत आवा चुनाव मैदान में। लेकिन जब नतीजे आए तो मामला एकदम उलट गया। इसके बाद राजभर लगातार सपा के निशाने पर हैं। कोई उन्हें दगा हुआ कारतूस बता रहा है तो कोई उन्हें राजनीति का विषकन्या कह रहा है। अब लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर राजभर को लेकर एक होर्डिंग भी लगाई गई। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा हुआ है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। वहीं अब ओम प्रकाश राजभर के मंत्री पद को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर आए ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री बनने के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा दावा कर डाला है। ओपी राजभर ने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि विरोधी पार्टी वाले या फिर विपक्ष के लोग एनडीए के मालिक नहीं है, उनकी मर्जी से यहां कुछ होगा, यहां जो होगा हम लोगों की मर्जी से होगा। क्या कहना है, क्यों नहीं बन पाएंगे, मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना है, वो लोग मालिक हैं, वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा, यहाँ हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। वहीं अब सुभाषपा से अलग होकर बनी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। उनका कहना है कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर ओपी राजभर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण जीत पाए हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर चैलेंज देते हुए कह रहे हैं कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट पर चुनाव लड़कर देख ले, वो इसे जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं, क्या बात करते हो। तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था, वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चौतरफा घिर चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। अगर मंत्री नहीं बनाया जाता तो राजभर एनडीए छोड़ देंगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।